शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नताशा कितनी अच्छी लग रही है ना उसमें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम सो ग्लैड। आपने सुना तो होगा उसका गाना, ना अच्छा गाना गाया है। एक्सक्यूज मी, कांग्रेचुलेशंस। आज आपका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, आपके एल्बम का नाम है सपनों की रानी। क्या बता सकती हैं आपके सपनों का राजकुमार कौन है? फिलहाल तो मैं सपने में हूँ, मुझे सपनों में ही रहने दीजिए, जब आँख खुलेगी तब बताऊंगी। वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट आंसर। रॉकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अ ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू नताशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। नताशा। संजू। ये लंगड़ा क्यों आया यार? नताशा। संजू, I'm so happy you're here. Thank you. मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। Of course. संभाल के आओ। इनसे मिलो। ये रॉकी हीर नंदानी। हाँ। इंडिया के नंबर वन आर्किटेक्ट। तो तुम भी आर्किटेक्ट हो? तुम भी आर्किटेक्ट? मतलब यहाँ और कौन आर्किटेक्ट है? एक्चुअली संजू भी आर्किटेक्ट है। अच्छा, आप भी आर्किटेक्ट है? नाइस, वेरी नाइस। प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड? या। और क्या क्या बिल्डिंग्स बनाए आपने? मैंने ताजमहल। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया, उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना। तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? कांच का नहीं। एक्सक्यूज मी, वो कांच का बिल्डिंग ओबरॉय बिल्डर्स ने बनाया। बिल्कुल सही फरमाया, ओबरॉय बिल्डर ने बनाया, लेकिन जो डिजाइन है वो मेरा है। ये तो दोस्ती यारी में मैंने एक शर्त रखी थी कि भाई मेरा नाम मत लेना। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस। अब और आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? बिल्डिंग कौन सा बना ये पूछ रहे हैं, बाकी एसी फुल है, बोलो। लाल किला देखा? लाल किला, व्हाट नॉनसेंस। लाल किला तूने बनाया? तो कुतुब मीनार मैंने बनाया, बोल। अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया, लाल किला मैंने नहीं बनाया। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। ओ तो तुम्हारे गंजी बनियान का भी है? नहीं नहीं, उसका जो मालिक है उसकी फैक्ट्री मैंने बनाई है, मैंने। और क्या क्या बनाया आपने फेमस? और मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। और अब सब मैं ही बोलते जाऊंगा, कोई ये जनाब से भी पूछे कि इन्होंने क्या क्या गुल किया, आप बताइए जी। मुंबई में जो पृथ्वी अपार्टमेंट है वो मैंने। ओफो, ऐसा ही होता है, जब सेम फील्ड के दो प्रोफेशनल्स मिलते हैं तब ऐसे ही बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कम संजू। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एंड दी डमास्क गोल्ड प्रेजेंट्स टू यू द मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक एल्बम सपनों की रानी। ये नताशा। एंड नाउ वी आल्सो लाइक टू प्रेजेंट कलेक्शन जी गोल्ड ज्वेलरी टू नताशा। थैंक यू। खुशे लंगड़े। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेट्स नाउ वॉच नताशा एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम। अरे देख मुन्ना देख। Ayo! Telecasted from Dubai. Stay tuned. Appa! Annai! Tanya! Dubai! Oye, Subramaniam ki aulaad chilla kyun raha hai? Manga to diya tere ko idli bhi dosa bhi. Appa! और बहुत कुछ मंगाना पड़ेगा शादी के लिए। तो आने मिल गई, 3 साल तक ढूंढा, ताने दुबई में है। डैड, ये तो वही लड़की है जिसके पास तोता है। तेरी शादी जरूर होगी पुत्र, चलो दुबई। ओए खोते, तू उस लड़की को,
मेरा मतलब हमारी बहू को पहचान लेगा ना? अप्पा, मैं तान्या को बिना देख के ही पहचानेगा। ओए मेदू वड़े, तू लड़की को बिना देखे कैसे पहचान लेगा? अंकल शायद आप ये नहीं जानते कि इसकी नाक बिल्कुल एक कुत्ते की तरह है। स्मेल तान्या। चिंता मत करो डैड, दुबई में तानिया होंगी कितनी, ढूंढ लेंगे उसे, जाएगी कहाँ? Oh, you have a point. चलो आगे बढ़ो। भाई हम लोग तो 6 बजे आने वाले थे, इतना जल्दी काको आ गए? अबे एडवांस में उन दोनों की बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लड़की के दिल में क्या है। हाँ, तो लाइए डंडा निकालिए। मैं उसकी जरूरत नहीं है, उसके ब्रेसलेट में मैंने माइक्रोफोन फिट कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं भाई, तुम्हें क्या लगता है रॉकी आज कोई खास वजह से यहाँ आ रहा है? क्या पता। ए भाई, अगर वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मुझे नहीं पता। आओ। अरे लेकिन मुझे तो पता है। ए भाई आंटी अपनी साड़ी, लेकिन ऐसा आंटी का तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं, अब ये क्या बोलेगा अंदर जाके? नताशा, मैं तुमको एक खास बात बताने आया हूँ। खास बात? क्या खास बात? नताशा तुम रॉकी से दूर रहना। क्या है? क्यों, क्या हुआ? अरे नताशा वो फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ आर्किटेक्ट तो दूर की बात है, नताशा वो एक मामूली सा कड़िया भी नहीं है। ये कमीना टांग अड़ा रहा है। लेकिन भाई वो तो लंगड़ा है ना। हाँ लंगड़ा है वो। भाई मुझे क्यों मारो? और किसको मारूं नहीं तो? मैंने नेट पे सारे आर्किटेक्चुरल इंस्टीट्यूट्स के नाम चेक कर लिए, रॉकी हीरानंदानी का नामो निशान नहीं है उसमें। भाई 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 क्या कर भाई? लेकिन उसने मुझसे ऐसा झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने वेबसाइट का नाम अपनी डायरी में लिखा है, तुम चेक कर सकती हो। नहीं नहीं, मुझे अपाइज होने का महसूस मत होने दो नताशा। नताशा नहीं, I'll do it. I'll get it myself. Pack up. I'll get it. कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये? चेक कर लो, मैंने उसके घर का पता भी ढूंढ निकाला, 2-4 दिन में उसकी सारी पोल खोल दूंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा भाई, मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। लेकिन वो तो शाम को 6 बजे आ रहा है ना, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। अबे वो आ रही है, भाग। अबे गाड़ी लेके भाग, जल्दी कर, फटाफट पका। भाई भाई वो आ गई। क्यों बताया मेरी बात को? अरे क्यों जान जाता मेरे घर को? क्या दुश्मनी निकाल रहा तू? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों बताया मेरी माँ को तूने? क्या कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कैप्टन हूँ, क्यों बताया? अरे तू जानता नहीं है कि मेरी माँ सख्त नफरत करती है पानी और समुद्र से। क्यों नफरत करती है भाई? क्यों नफरत करती है? मैं बताता हूँ, क्या बोलूँ भगवान, क्योंकि मेरे पिताजी सम्राट जहाज में कैप्टन थे और मेरा बड़ा भाई वाइस कैप्टन। जब सम्राट जहाज ने समुन्द्र में जल समाधि ली तब दोनों का देहांत हो गया। तब से मेरी माँ समुद्र और पानी से सख्त नफरत करती है। बचपन में मुझे नहाने तक नहीं देती थी, पड़ोसियों के घर में जाके छुप छुप के नहाया करता था मैं। लेकिन अफसोस मेरे खून के रगों में मेरे पिताजी दौड़ रहे थे और एक दिन समुद्र ने मुझे बुला ही लिया। लेकिन तुम
क्यों बताया मेरी माँ को कि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, नेवी में कप्तान हूँ? क्यों मेरे भाई, क्यों बताया तूने? शांत हो जाओ भाई। कर दिया ना अनाथ मुझे तूने। अरे कौन करेगा इस बच्चे से प्यार, अब तू बता कौन करेगा इस बच्चे से प्यार? कहाँ से पाऊंगा माँ का प्यार अब, तू बता। नताशा, तुम कब आई नताशा? बबलू कम से कम बता तो देता कि नताशा आई हुई है। तू भी ना पागल है नताशा। मैं ये कहना चाहता था कि आर्किटेक्ट, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। रॉकी, तुम आज की बात बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम कितनी अच्छी हो। बहुत अच्छी हो तुम। मुझे माँ का प्यार भी तुम्हें से मिलेगा। सलाम है भाई लोग, सेकंड पार्ट का टाइम आ गया। करण का लव है डेंजर एंगल में, तानिया भी फसिंग रॉकी के चुंगल में। अब तक एक लव था, अभी हो गया टू। अब उनके करण का क्या होगा भाई, व्हाट ही विल डू? वो गुंडे लोग भी पागल हो रहे ले, उनको चाहिए तोता। सनी को करना है तानिया से शादी, खुराना को देगा पोता। किसी को लड़की चाहिए तो किसी को तिजोरी का कोड। अब उनकी स्टोरी का आया है वेरी इंटरेस्टिंग मोड। रॉकी ने वॉकी टॉकी से खिलाया गुल, पालिया तानिया के दिल पे काबू फुल। फुल टू है बाप, देखो शाणे को। अपुन चला। दुम 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 दुम। मंकी, थैंक्स। ओए, तू भी ना क्या? मम्मी, मम्मी, अरे नटा साला, तू नटा साले, तेरी तो मैं क्या करता? तू करता मेरे को? साले तेरा हाथ। रॉकी, ये क्या कर रहे तुम? पागल हो गए क्या? दूर हटो, जाओ। नताशा, मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो ये पागल कुत्ते की तरह इधर झपटा और इसने मुझे यहाँ काटा। ये झूठ बोल रहे। मैं तेरे को गले लगा रहा था, गले लगा रहा था। लेकिन लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? हाँ, फूल देने आया था। मैं अरूर देने आता हूँ ना, तू बोला तू नहीं देगा, तू फूल नहीं देगा, और इसने मुझे काटा। मैंने कब काटा? तूने काटा? मैंने काटा? मैंने काटा इसको भाई, मैंने कुछ नहीं। मेरा गला दबाने लगा, बच्चे वो तो टाइम पे आ गए, ये तो हाथ के साथ-साथ मेरा गला भी। हां, तू कंफर्टेबल हो गया अंदर? ये बकवास कर रहा है नताशा। तुम्हें पता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, फिर भी शर्म आई थी तुम्हें? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है। मैं चलो नताशा, चलो प्लीज गो। कौन सा परफ्यूम लगा है? नाइस परफ्यूम नताशा, नाइस। तुम ही लगाना। ये साला टूंडा हड्डी मेरे हाथ में दे गया, कबाब खुद लेके चला गया, कोई बात नहीं। और ये जो आपने दो दो चिकन मसाले खाए हैं, उसका क्या? कहाँ से आए ये चिकन मसाले? आपकी जेब से, आपकी अय्याशी का बिल। चार बियर, दो चिकन मसाला, छह नान, दाल महाराजा। अच्छा, मुझे बोलते हैं नवरात्रि का उपवास रख, और आप रोज मनाते हैं क्रिसमस। अबे ये टुंडे की जेब से गिरा होगा। मतलब टुंडा इतना अय्याश है? अबे ये टुंडे की ना कुंडली पता करनी पड़ेगी। कहाँ का बिल है ये? ड्राइस बार।
अबे कैमरा देना। कहाँ साले, इधर बैठ। नताशा को पटाने के लिए हाथ से लूला और दिमाग से ढीला। हाँ अभी नताशा को तेरी असलियत बताता हूँ। इसको कैमरा बता जहाँ इसका डांस बंद है। क्या कर रहा है तू? ये पाप होगा, घोर पाप होगा। ये क्या कर रहा है तू? अगर नताशा को इसके बारे में पता चलेगा क्या बीतेगी बेचारी के दिल पे? और हम दोनों का तो, मैं तो शादी का कार्ड भी भेजने वाला था। ऑलमोस्ट फाइनल है सब। फाइनल है ना? फाइनल है। इसकी भी फुल एंड फाइनल पेमेंट दे ही देता हूं। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है? दो मौत का कलंक क्यों अपने सर पे ले रहा है तू? अबे दो मौत कैसे बे? जब नताशा को मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा क्या करेगी वो? खुदकुशी नहीं करेगी? और दूसरी? और जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो ये जी के क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? भाई मैं? भाई छोड़ दो। अबे इसको कैसे छोड़ू हराम खोर को? इसको नहीं, नताशा को। तू चुप रहे, तू जा। सुन बे ओ, आज के बाद जैसे मैंने बोला वैसे तूने नताशा के सामने करना, समझे? वरना तेरी एक आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव सब लूला कर दूंगा। याद है ना? हाँ, और जोर से लगा कर देना। हाँ याद रखना। ओह आई एम सॉरी, कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल बोट राइड। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली रॉकी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे टॉमी ने कहा कि उस दिन टॉमी ने तुम्हें काटा था। अरे भूल जाओ, अब तो बहुत पक्की दोस्ती हो गई है। क्यों भाई टॉमी? बेवकूफ, झूठे, मक्कार। टॉमी, ऐसा मैं सोचता था पहले तुम्हारे बारे में। और अभी? गधा, बेवकूफ, अनाड़ी। टॉमी, मैं था जो पहले इसके बारे में ऐसा सोचता था। आई एग्री, आई एग्री। तो अब तुम क्या सोचते हो रॉकी के बारे में? सच पूछा जाए तो रॉकी जैसा जालसाज, कमीना और 420 आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। What? ऐसा मुझे भगवान भी आके कहेगा ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं तो डरी गई थी। मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मुझे मालूम है कि ये मेरी तारीफ इतनी क्यों कर रहा है। मेरे कान पका दिए इसने बोल बोल के। रॉकी जी, मुझे बोर्ड की सफाई करनी है रॉकी जी। अच्छा एक घंटा कर ले बोर्ड की सफाई बस। एक घंटा? बाबा दो घंटे कर ले, इससे ज्यादा क्या करेगा तू? नहीं, देख दीदी कितनी भोली शक्ल है। अच्छा वो देख के चल, चार घंटे अलाउ करता तू, चार घंटे तू सुन। लेकिन दीदी? किसकी दीदी? नहीं तो क्या दादी है? और सुन, यह हाथ ज्यादा इस्तेमाल मत करना, टूटा हुआ है ना, इसको इस्तेमाल मत करना। और बोट की अच्छी तरह सफाई करना, मैं जरा इसको बता के आता हूँ, ठीक है? आजा बेटा आजा। सुन, 5-6 घंटे तक इस बोट से बाहर निकलना मत, समझे? और यहाँ से जब मैं जाऊँ ना तो जोर से थैंक यू बोलना, समझे? नहीं तो मैं नहीं। अच्छा सब झाड़ू कट का मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है? ओके, एंजॉय योरसेल्फ। कम, थैंक यू, बाय टॉमी, बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा काले काले है, कभी तक दिल के साथ साथ में पेट को डिफिकल्टी देते रहेगा तू? जब तक मुझे तानिया नहीं मिलती मैं नहीं खाऊंगा। अरे पावी अम्मो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं रे बाबा। 11 बजे तेरे को ताने का एड्रेस मिलेंगे ना। तानिया, 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 अयो अयो अम्मो। एक ही स्ट्रॉ, हम भी तो एक ही हैं। ये तो राखी है, ये ताने के साथ मुझे भी तो दो। सॉरी। गद्दार, तेरे को प्लेन में भेज के ताने को पटाने का बात करता। चल
क्या चलते हैं? जिसके लिए इतना डिफिकल्टी सर पे लिया उससे कुछ डिफिकल्टी में छोड़ के जाने का बात करता तू? उधर देख। कम ऑन नताशा। जब रॉकी तानिया की खुशी बन चुका है तो अपनी खुशी के लिए मैं उससे उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ?